कविता के पति रोनित ने अभिनव पर लगाया बड़ा आरोप। क्या नशे की हालत में अभिनव ने किया था कविता को कॉल? किस वजह से कविता और उनके पति ने दर्ज करवाई थी अभिनव के खिलाफ शिकायत? वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। हाल ही में बिग बॉस 14 के घर में हमने एक तगड़ी लड़ाई देखी, जहां कविता ने रुबीना को बताया था कि वो उनके हस्बैंड अभिनव का एक ऐसा सच जानती है जो शायद ही उन्हें पता होगा। फिर इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कविता ने गुस्से में आकर बिग बॉस 14 का घर छोड़ दिया, लेकिन अभिनव का सीक्रेट नेशनल टेलीविजन पर रिवील नहीं किया। वहीं अब कविता के पति रोनित ने ट्विटर हैंडल के जरिए अभिनव का वो सच दुनिया के सामने रखा है। अभिनव का वो सच दुनिया को बताया। रोनित ने लिखा, मुझे लगता है कि अब सच्चाई बताने का समय आ चुका है। टीवी पर नजर आ रहे ये इंसान एक जेंटलमैन नहीं है। अभिनव शुक्ला को अल्कोहल लेने की आदत है। उसने नशे की हालत में मेरी पत्नी को कई बार फोन किया है। वो मेरी पत्नी से आधी रात में मिलना चाहता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभिनव शुक्ला के बारे में बताया जा सकता है। एक बार तो हालत ऐसी हो गई कि मुझे मेरी पत्नी को उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी पड़ गई थी। अपने दूसरे ट्वीट में रोनित विश्वास ने लिखा, ये वही इंसान है जिसने हमसे काम की भीख मांगी है। अभिनव शुक्ला मेरे घर पर मदद मांगने आया था। वो एक फिल्म बनाना चाहता था। केवल अभिनव शुक्ला के लिए हमने उस फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली। मैंने उसे अपने घर में शूटिंग करने की जगह दी। वो अपने घर पर कुछ कारणों के चलते शूटिंग नहीं कर पा रहा था। अब अभिनव शुक्ला बोल रहा है कि वो उसी महिला से बदला लेगा। वो अपने आप को मर्द कहता है। क्या ये वाकई सच है? वेल, है ना ये काफी ज्यादा शॉकिंग। क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए टेली मसाला।